रामगंज कोरोना का नया एपिसेंटर बन गया है। कोरोना की थर्ड स्टेज की दस्तक से कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने फील्ड में ही सैंपल लेने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर मेडिकल टीमों ने आज पहली बार फील्ड से ही संदिग्धों के सैंपल लिए, जबकि अभी तक मरीज को भर्ती करके ही सैंपल लिए जा रहे थे। ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह के मुताबिक रामगंज में कोरोना सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया गया है। मेडिकल टीमें अगली 5 दिन तक हर दिन 300 से 500 सैंपल कलेक्ट करेगी, ताकि ये पता लग सके कि कम्युनिटी में कोरोना वायरस की क्या कुछ स्थिति है। रामगंज में अभी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका रिव्यू किया था और कहा था कि इसको एक अलग ढंग से सख्ती से निपटा जाए, तो अभी हम उसमें टेस्टिंग का नंबर बढ़ा रहे हैं और जो क्वारंटीन फैसिलिटी है उसमें ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लोग आपस में मिलजुल ना सके, ताकि संक्रमण को बढ़ावा ना मिले। पहले ऐसी खबर आई थी कि जो निम्स में लोग थे वो किसी वजह से आपस में मिले, इस वजह से ऐसी संभावना है कि शायद संक्रमण फैल गया हो, पर अभी उसकी व्यवस्था की जा रही है। और अभी हमने हमारी RRT और डॉक्टर्स की टीम रामगंज में है, जॉइंट डायरेक्टर भी हमारे रामगंज में बैठे हैं, और अभी हम सैंपल्स लेकर, हमारा टारगेट है कि 300 से 500 सैंपल्स लेकर उनका टेस्ट कराया जाए, ताकि रामगंज में जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसकी एक्सटेंट कितनी है उसको पता लगा जाए।